हेलो, सत श्री अकाल जी। देखिए, खाने का शौक होगा तभी आप इस चैनल पे जरूर आए हैं। तो आज मैं मशरूम्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, बट एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक ऐसी डिश है जो मैंने पहले भी बहुत बार बनाई है। सो दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ पंजाबी एंड चाइनीज कजीन, एंड इसीलिए इसका नाम है तंदूरी चिली मशरूम्स। सो इसको सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको ग्रिल करेंगे, इसको एक तंदूरी फैशन में ग्रिल करेंगे। तो हम ग्रिल का नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम बेसिकली इसको अपने गैस स्टोव पे ग्रिल कर रहे हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, ऑयल लगा के। सो आई एम यूजिंग अ बिट ऑफ ऑलिव ऑयल हियर। इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़, यू कैन यूज़ देसी घी, विच इज़ यस वेरी मच पंजाबी स्टाइल। अभी मैंने स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। स्प्रिंकल इसलिए किया है ताकि कुछ कुछ मसाले इसके बीच में इंड्यूस हो जाए। उससे क्या होता है कि इसका जो बिल्कुल फीका फ्लेवर है या एक मीटी एक नटी फ्लेवर है, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं कुछ मसाले, जिससे आपका टेस्ट बड एक्टिवेट हो जाते हैं जब आप खाते हैं। देखिए, मैं सौते कर रही हूँ इसको गैस स्टोव पे, एंड इससे आने वाला है एक बहुत ही बर्निंग सा टेस्ट, या कह लीजिए एक तंदूरी टेस्ट। सो आई एम हैविंग फन डूइंग दिस एक्टिविटी। सो अभी ये दूसरी दूसरी स्टिक जा रही है, साथ साथ आगे चलते हैं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके तड़के के लिए, सौते करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रही हूँ अनियन के साथ, प्याज के साथ। प्याज को मैंने चॉपर में बहुत छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथों से भी इसको बहुत प्यार से छोटा छोटा काट सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें मिक्स किए थे 5 से 6 गार्लिक क्लोव्स और 1 इंच जिंजर यानी कि अदरक। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें छोटी छोटी चॉप करके इसको अब मैं सौते करने जा रही हूँ। सो सौते करते करते देखिए ब्राउन हो गया है। नेक्स्ट मैंने जो भी तंदूरी मशरूम्स अपने लिए तैयार किए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। नाउ स्टार्टिंग विद दी मसालास, थोड़ी सी रेड चिली। नाउ आई एम एडिंग थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च के बाद मैं अब ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद इसमें हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, वो इसलिए क्योंकि जब आप मसाले डालते हैं तो वो जलने नहीं चाहिए बल्कि पक जाने चाहिए। तो अगर वो किसी भी कोने में रह जाएंगे तो वो जलने लगेंगे। सो अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज ग्रीन चिली। तो ग्रीन चिली को मैं काट रही हूँ, और ग्रीन चिली के बिना तो इसमें वो करार वो मज़ा आने ही नहीं वाला है। तो ये ग्रीन चिली मैं छोटी छोटी इसमें काट के आई एम पुटिंग इट इन साइड दिस वन। एंड आफ्टर दिस आगे हम चलते हैं सॉसेस डालने के लिए। सॉसेस में मैं डाल रही हूँ इसमें राजस्थानी गार्लिक चटनी, विच इज़ आधा चम्मच। आधा चम्मच गार्लिक चटनी डालने के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 बड़े चम्मच ग्रीन चिली सॉस। किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, पाउच ले सकते हैं, बॉटल ले सकते हैं। सो अराउंड 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है विनेगर। विनेगर मैंने डाला था इसमें मान लीजिए 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि ये जो आप इसमें कैप देख रहे हो ये बॉटल की कैप है, ये सिर्फ हाफ है। इट मीन्स 1 बड़ा चम्मच आपका विनेगर इसमें मैंने ऐड किया है, तो आपका विनेगर नहीं। सो इसमें मैंने विनेगर ऐड किया है। एंड देन आई एम एडिंग द मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट ऑफ एवरीबडी, बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, हमारा सबका, वो है सॉस, 1 बड़ा चम्मच सॉस। नाउ आई एम मिक्सिंग एवरीथिंग वेल विद अ होप। देखिए, खाने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो भी इंग्रेडिएंट उसमें डाल रहे हैं वो इंग्रेडिएंट डाल के बस छोड़ के फेंक मत दीजिए उसको। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पुट इन योर एनर्जी, उसके अंदर अपनी एनर्जी डालिए, उसको मिक्स कीजिए, उसका कलर चेक करिए, उसका आप कितनी तरह से उसको कैसे पकाना है वो चेक करिए। सो यहाँ पे मैं बहुत लंबे प्रोसीजर तक वही कर रही थी। ये एडिटेड वीडियो है जिसमें आपको बहुत सारा टाइम नहीं नज़र आ रहा है। तो 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। लास्ट में मैंने डाला है 1/2 चम्मच नमक। ज़्यादा नमक इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि सॉसेज में भी बहुत सारा नमक होता है, बहुत सारा नहीं होता, इतना होता है कि अगर आप नमक नहीं भी ऐड करोगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग नमक की तब भी आ सकती है। सो 1/2 चम्मच नमक काफ़ी ठीक रहा। उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें 1/2 कप पानी। मेरे पास कप नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप 1/2 कप पानी इसमें ज़रूर डाल दीजिए। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
आपके सारे मसाले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर कोई भी आप करी, इंडियन करी, चाइनीज करी, थाई करी और राजस्थानी करी, एनी करी, आपको पानी डालना इसलिए नहीं ज़रूरी होता कि आप सब्जी को सिर्फ गलाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी होता है कि वो पानी से मसाले पक जाएं और टेस्ट जो है आपकी वेजिटेबल के अंदर इंड्यूस हो जाए. सो यहाँ पानी को पकते हो गए थे 2 मिनट, तो मैंने इसको अब दोबारा स्टर किया है और मैंने ये देखा है कि ये पकने लग गया है क्योंकि ये कलर चेंज हो गया है एंड इट इज़ लीविंग द ऑयल, ऑयल सेपरेट होने लग गया है. सो आई एम जस्ट कीपिंग एन आई, मैं इस पर ध्यान रख रही हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है. सो अगेन, खाना बनाना मीन्स पुटिंग योर ओन एनर्जी, योर यू हैव एनर्जी, यू कैन मेक अ गुड फूड. यस, इवन इफ यू डोंट हैव, कीप ट्राइंग. इफ यू लव कुकिंग, खाना बनाना आपको बहुत पसंद है, आपका दिल से मन करता है खाना बनाने का, तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा उसमें अपनी जान डालने की. लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो छूटता ही जा रहा था मेरी बातों की वजह से, वो है धनिया. धनिए के बिना तो कुछ भी नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी उसमें ऑयल है, फैट है. सो दिस कोरिएंडर, धनिया इज गोइंग टू कीप अ चेक ऑन द कोलेस्ट्रॉल. यस, ये इसका एक साइंटिफिक फैक्ट है. सो लास्ट में धनिए को स्टर करते हुए आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आ गया है और साफ नज़र आ रहा है कि अच्छी तरह से पक चुका है. आप देखिए ज़रा आंखें भर के कि ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है. और यस, मैंने इसको बाद में खाया तो मुझे पता चला कि इतना सॉफ्ट, इतना टेस्टी, इतना फ्लेवरसम ही हो चुका था, क्योंकि इसमें जिंजर है, गार्लिक है, इसमें स्पाइसेस हैं, इसमें गार्लिक चटनी है, इसमें रेड चिली चटनी है, इसमें विनेगर है, एंड अलॉन्ग विद दैट हमने धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है. और बेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने अनियन को और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पकाया था. तो अब हम देख लेते हैं इसका फाइनल लुक. आप देख लीजिए ये सब्जी कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी स्वाद लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है. और ये मैं डांस करते हुए, बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी. बाय बाय, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक फॉर मोर वीडियोस. बाय बाय.